डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम किड्स अल्फाबेट बुक 3+ का पेज नंबर 31 कवर करेंगे, जिसका टॉपिक है लेटर वाई। इस पेज में हमारे SLOs हैं कि बच्चा लेटर वाई के साउंड को पहचान ले, इसके साथ साथ बच्चा लेटर वाई की शेप को पहचान ले और उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सके जो लेटर वाई से स्टार्ट होते हैं। डियर टीचर्स, अब आप बच्चों को कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाएं, जिसके ज़रिए आप बच्चों को लेटर वाई की साउंड की रिकग्निशन दे सकती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे यो-यो। यो-यो एक टॉय होता है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद आप ले सकती हैं योक। योक अंडे के येलो वाले पार्ट को कहते हैं। बच्चे को वाई की साउंड की तरफ तवज्जो दिलाएं। य य यो यो, य य योक, य य यान। इस तरीके से बच्चा लेटर वाई के साउंड की रिकग्निशन कर ले। डियर टीचर्स, अब आपने रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बच्चे को लेटर वाई के साउंड की रिकग्निशन दे दी। अब आप बच्चे को पिक्चर कार्ड के थ्रू लेटर वाई के साउंड की रिकग्निशन दें। आप बच्चों को ये पिक्चर कार्ड दिखा सकती हैं। यहाँ हमारे पास लेटर वाई के पिक्चर कार्ड में यो यो, रैबिट, यार्न, नेस्ट और मैंगो की पिक्चर मौजूद है। इसमें से बच्चे ने देखना है कि लेटर वाई से स्टार्ट होने वाले ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। जैसा कि आप बच्चे को पहले रियल ऑब्जेक्ट्स में यही ऑब्जेक्ट्स दिखा चुकी हैं, तो बच्चा आसानी से इनको आइडेंटिफाई कर लेगा। इस एक्टिविटी के थ्रू हम देख सकते हैं कि क्या बच्चे ने लेटर वाई के साउंड को रिकग्नाइज कर लिया है या नहीं। डियर टीचर्स, अब आपने बच्चों को लेटर वाई के साउंड के बारे में बता दिया। अब आप लेटर वाई के शेप के बारे में बच्चों को बताइए। तो इसके लिए सबसे पहले आप लेटर वाई का ब्लॉक लीजिए। बच्चों को लेटर वाई का ब्लॉक शो करें और बताइए दिस इज़ लेटर वाई। इसके बाद आप एज़ यूजुअल अपनी फिंगर को लेटर वाई के ऊपर ट्रेस करके बच्चे को बताइए कि जो सैम्पल है इसके बारे में बात हो रही है कि दिस इज़ लेटर वाई। अब आप बच्चों को लेटर वाई का फ्लैश कार्ड दिखाइए, ताकि बच्चा डिफरेंट जगहों पर लेटर वाई को देखकर लेटर वाई के सैम्पल को आइडेंटिफाई कर सके। इसके बाद आप वाइट बोर्ड पर लेटर वाई लिखकर बच्चों को बताइए, ताकि बच्चा आपको लिखता देखकर लेटर वाई को लिखना सीख ले। वी विल ड्रॉ अ स्लांटिंग लाइन फ्रॉम द फर्स्ट रेड लाइन टिल द सेकेंड ब्लू लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नाउ वी विल ड्रॉ अनदर स्लांटिंग लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट अ शॉर्टर वन फ्रॉम द फर्स्ट रेड लाइन टिल द फर्स्ट ब्लू लाइन ज्वाइनिंग द फर्स्ट स्लांटिंग लाइन। दिस इज लेटर वाई। डियर टीचर्स, प्लेडो की एक्टिविटी अपने लेसन में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। इस प्लेडो की एक्टिविटी को लेसन में इंक्लूड करने का मकसद ये भी है कि कुछ बच्चे जो हैं वो बोरिंग उनको फील होता है कि पेंसिल और कॉपी पे ही सारा काम हो रहा हो, तो उनके लिए प्ले से लर्निंग करना आसान हो जाता है। कुछ बच्चे खेल खेल में ज़्यादा अच्छा सीख लेते हैं। जब आप उनको प्लेडो देंगे और उनको कहेंगे कि इस वर्कशीट पे ड्रॉ हुए हुए लेटर वाई के ऊपर प्लेडो से लेटर वाई को मोल्ड करें, तो एन मुमकिन है कि बहुत सारे बच्चे जो कि पेंसिल और कॉपी को बोरिंग समझते हों, उनमें इंटरेस्ट ना लेते हों, वो इस लर्निंग को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करें और ज़्यादा अच्छे तरीके से लेटर वाई की शेप को रिकग्नाइज करें। डियर टीचर्स, अब आप बच्चों से पेज नंबर 31 ओपन करवाइए और उनसे इस लेटर के बारे में क्वेश्चन करें कि विच लेटर इज़ दिस। अब तक बच्चा लेटर वाई को डिफरेंट जगहों पर देख चुका है और उसको रिकग्नाइज और आइडेंटिफाई करना सीख गया है, तो इसलिए बच्चे आपको आराम से आंसर दे देंगे कि दिस इज़ लेटर वाई। अब बच्चों की तवज्जो दी गई पिक्चर की तरफ दिलाएं और उनसे पूछें व्हाट इज़ इट। यस, इट्स एन एनिमल। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस एनिमल। यस, इट्स ब्लैक इन कलर। लुक एट इट्स हॉर्न्स। Oh my God, very big horn. Yes. Look at its feet. It has 4 feet and 4 legs. Look at the hairs on its body. Very long hairs. So tell me, children, which animal is this? Yes, it's a yak. Yak. Ab aap yak ke sound ko 6 dafa repeat karein, taaki bachcha अच्छी तरीके से वाई के साउंड से अगेन फेमिलियर हो सके और ये आइडेंटिफाई कर सके कि वाई फॉर याक। टीचर्स, अब आप बच्चों से एक गेम प्ले करें जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई करना है कि लेटर वाई वर्ड के स्टार्ट में आ रहा है, मिड में आ रहा है या एंड पर आ रहा है।
तो सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास है वो है याक। याक के वर्ड में लेटर वाई बिल्कुल स्टार्ट में आ रहा है। अगेन आप बच्चों को सेकंड वर्ड दीजिए लेडी बर्ड। अब बच्चा आपको आइडेंटिफाई करके बताएगा कि लेडी बर्ड के वर्ड में वाई कहाँ पे आ रहा है। सो बच्चा अपनी बुक्स में देखकर आपको बताएगा कि लेडी बर्ड के वर्ड में वाई मिडल में आ रहा है। और अब आप उनसे पूछेंगे लास्ट वर्ड जो कि है की। की के वर्ड में लेटर वाई कहाँ पे आ रहा है। वॉट इज द पोजिशन ऑफ लेटर वाई इन द वर्ड की। सो की के वर्ड में लेटर वाई बिल्कुल एंड पर आ रहा है। बच्चों को इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने पर अप्रिशिएट कीजिए और अगर उनके आंसर्स रॉन्ग हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करिए कि राइट आंसर्स क्या हैं। डियर टीचर्स, जावेद पब्लिशर्स की तरफ से प्रोवाइड की गई LED प्रोजेक्शन को अपने लेसन का पार्ट बनाते हुए इन क्वेश्चंस के इस्तेमाल से बच्चों में ग्रुप डिस्कशन जनरेट करें। जैसे कि आप बच्चों से पूछ सकती हैं, व्हाट इज दिस, इज इट अ बिग एनिमल और अ स्मॉल एनिमल, हाउ मेनी लेग्स डज अ याक हैव, व्हाट इज दिस सो लॉन्ग ऑन द हेड ऑफ याक। इस तरीके से आप बच्चों में क्लास पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर सकती हैं और ग्रुप डिस्कशन जनरेट कर सकती हैं। डियर टीचर्स, रिटन वर्क के लिए किड्स इंग्लिश एक्टिविटी एंड राइटिंग बुक का पेज नंबर 76 इस्तेमाल कीजिए, जिसमें बच्चे ने लेटर वाई को डॉटेड लाइंस और विदाउट डॉटेड लाइंस पर ट्रेस करके और राइट कर लेटर वाई को लिखना है। सो इसके बाद आप होमवर्क में बच्चों को पेज नंबर 76 दे सकती हैं, अगेन किड्स इंग्लिश एक्टिविटी एंड राइटिंग बुक का, जिसमें बच्चे ने याक की पिक्चर में कलर करना है। इसके साथ साथ आप बच्चों की होमवर्क डायरीज में वो क्वेश्चंस दे सकती हैं जो LED प्रोजेक्शन में मैंने आपको बताए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन बच्चे को दी गई है उसको पुख्ता किया जा सके। इसके बाद आप बच्चों की असेसमेंट जावेद पब्लिशर्स की तरफ से प्रोवाइड की गई वर्कशीट्स के थ्रू ले सकती हैं। थैंक यू फॉर हैविंग अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस विद अस। टेक केयर, जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।